है गाइस, दिस इज विक्रम सिंह चौहान बैक अगेन विथ न्यू ब्लॉग वीडियो। सो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है और हम लोग करने वाले हैं ढेर सारी मस्ती। सो गाइस, आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और हम लोग बहुत सारा फन करने वाले हैं। सो मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया हुआ है गाइस। सो सबसे पहले मैं अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवा देता हूँ। सो गाइस, ये है मेरा दोस्त ऋतिक शाह। ऋतिक शाह कैमरे में हेलो बोल दो। हेलो गाइस। सो मैं और मेरा दोस्त आज घूमने जा रहे हैं गाइस। ये मॉल घुमाने लाया है हमें और इसको थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह भी करनी है। सो वो भी हम लोग करने वाले हैं। सो अब मैं अपनी बकवास को बंद करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ गाइस। सो गाइस, मैं आप लोगों को मॉल का पूरा बाहर से जो आउटलुक है दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। और लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है और काफ़ी बढ़िया आ रहा है यहाँ से। ये देखेंगे आप, ये मेट्रो लाइन ऊपर दिख रही है जो अभी नई चालू हुई हमारे अहमदाबाद में। सो हम लोग गाइस अब मॉल में एंट्री कर रहे हैं। ये रहा हमारा एंट्री गेट। ये आप लोग देख सकते हैं अंदर से भी मॉल मतलब काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है, काफ़ी बढ़िया लुक देखने को मिल रहा है गाइस। ऊपर भी देखिए आप, ये क्या बटरफ्लाई क्या है, अरे ये तो कोई बर्ड है गाइस। सो दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं रिलायंस ट्रेंड में, मेरे दोस्त को शॉपिंग करना है। सो देखते हैं इसको अब कौन सी चीज़ पसंद आती है कौन सी नहीं। ऐसे भी इसका नाम भी राजा है और इसके शौक़ भी राजा वाले हैं। सो गाइस, आप लोगों को रिलायंस ट्रेंड का मैं बाहर से व्यू दिखा देता हूँ, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और लगता है फैशन ट्रेंड भी कुछ नए आए हैं। चलिए हम लोग अंदर चल के देखते हैं क्या चीज़ है। चलो राजा बाबू, गेट खोलो। सो यहाँ पे लग रहा है कि नीचे जो सब है लेडीज़ कलेक्शन है, लगता है मेंस का दूसरी बाजू है। मेंस का कहाँ है? हाँ, क्या हुआ, ऊपर है। सो गाइस, नीचे सब लेडीज़ के कलेक्शन थे। सो हम लोग अब सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मेंस के कलेक्शन है, वो देखते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं कि कैसा है। और मेरा दोस्त भी कुछ ट्राई करेगा उसमें से, फिर आपको पूरा रिव्यू देंगे हम। सो गाइस, मेरा दोस्त कपड़ा खरीदने आया था बट उसको जूते पसंद आ रहे हैं। सो जूते देख रहा है, पसंद करो जल्दी जल्दी एक आख। यहाँ जूतों के काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन है आप लोग देख सकते हैं। मतलब रिलायंस ट्रेंड में तो प्रोडक्ट तो ठीक ही ठाक दिख रहा है देखने पे। सो गाइस, उतने अच्छे अच्छे शूज़ थे बट मेरे दोस्त को कोई भी शूज़ पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे अब ये बेल्ट देखने आया है, अब देखते हैं इसको बेल्ट भी पसंद आता है कि नहीं। अगर ये नहीं पसंद आएगा तो गाइस हम लोग मॉल ही चेंज कर देंगे, दूसरे मॉल में चलेंगे और आप लोग को वहाँ का भी मैं व्यू दिखाऊंगा। बाकी यहाँ शर्ट्स के कलेक्शन काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, अभी मैं भी ट्राई करने वाला हूँ कुछ शर्ट्स। सो गाइस, मेरा दोस्त कपड़ा पसंद करने आया लेकिन उसको कपड़े पसंद आ नहीं रहे हैं तो बेल्ट देख रहा है। सो तब तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ क्लॉथ अपने लिए पसंद कर लेता हूँ। सो चलिए हम लोग एक दो शर्ट्स देख लेते हैं। वाह गाइस, ये वाला शर्ट्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है वीडियो में, इसको हम ट्राई करके भी देखेंगे। सो दोस्तों, पूरा मॉल घूमने के बाद भी मेरे दोस्त को कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आया है। आप लोग जान ही सकते कि मेरे दोस्त का नाम ही राजा बाबू है तो फिर इसको यहाँ रिलायंस ट्रेंड में कपड़ा कहाँ पसंद आने वाला है। सो गाइस, हम लोग फिर अब इस मॉल को छोड़ के दूसरे मॉल में जा रहे हैं। सो दूसरे मॉल में क्या पता इनको कुछ पसंद आ जाए। सो चलते हैं, हम लोग निकलते हैं। अपनी गाड़ी कहाँ है? ये देखिए, ये हमारी गाड़ी है। अरे आगे। सो गाइस देखिए, ये हमारी गाड़ी है। अभी फ़िलहाल तो हमारा यही सहारा है, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम फोर व्हीलर भी ले आएँगे गाइस। सो गाइस, रिलायंस ट्रेंड मॉल को हम लोग बाय बाय बोलते हुए अब आगे निकल रहे हैं।
अब हम लोग दूसरे मॉल की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ हमारे दोस्त को कपड़ा पसंद आएगा कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है। ये ऊपर आप लोग जो देख रहे हैं वो मेट्रो स्टेशन है गाइस। ये आसपास का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप भी चाहें तो अहमदाबाद घूमने आ सकते हैं, यहाँ पर घूमने लायक बहुत सारे प्लेस हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ। तो अगर आप टूर करने यहाँ पे आते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वस्त्राल मेट्रो स्टेशन पे। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। अगर इंजीनियरिंग का नमूना देखना हो तो इससे काफ़ी बढ़िया है ये। फाइनली हम लोग वेद आर्केड मॉल पहुंच चुके हैं। सो दोस्तों इस मॉल के बारे में आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं। ये मॉल अहमदाबाद के टॉप मॉल में से एक है। इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी विज़िट करने आते हैं, बहुत सारे सिंगर्स भी आते हैं। सो इतना समझ लीजिए कि आप अगर अपनी फैमिली के साथ या फिर गर्लफ्रेंड के साथ किसी के साथ भी आप यहाँ घूमने आते हैं तो आपको बहुत सारी ढेर सारी एक्साइटमेंट मिलेगी और आप यहाँ बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। सो मैं आपको सबसे पहले यहाँ मॉल का जो बाहर से जो आउटलुक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपको बहुत ही पसंद आए। सो गाइस फाइनली हम लोग मॉल में एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो राइट साइड में स्केचर्स का आउटलेट दिखाई दे रहा है, जो कि बाहर से देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। और आप लोग जानते ही होंगे कि स्केचर जो है अब फुटवेयर में बहुत ही बड़ा ब्रांड है और यहाँ पर हाई क्वालिटी के शूज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे और सैंडल्स वगैरह, मतलब आप समझ लीजिए टोटल जो फुटवेयर यहाँ मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फ्राइज की दुकानें दिख रही है जहाँ पर आपको स्नैक्स वगैरह हो गए। और लेफ्ट साइड में देखें यहाँ पर तो टी का स्टॉल दिख रहा है, जो दिखने में तो बहुत ही शानदार लग रहा है गाइस। इसका नाम कुछ ब्रेवेरा करके और यहाँ पर एक स्लोगन लिखा हुआ है कि घर जैसी चाय, मतलब आपको यहाँ पर घर जैसी चाय मिलेगी। और यहाँ देख सकते हैं आप आइसक्रीम का पार्लर नज़र आ रहा है, जहाँ पर बहुत सारी काफ़ी वैरायटी की आइसक्रीम देखने को मिल रही है। और ये मैक्स का शोरूम है। मैक्स का शोरूम में के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो ब्रांड्स है उसका कॉलेब होता है गाइस, मतलब बहुत सारे अलग अलग क्लोथिंग हो गए, मतलब ऑल ओवर आप समझ लीजिए मॉल में जो आइटम्स मिलती है वो मैक्स में मिल जाती है। और सामने आपको जेड ब्लू दिखाई दे रहा है। सो गाइस मॉल में एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड में बॉक्स ऑफिस देखने को मिल रहा है, जो कि राजन सिनेमा का बॉक्स ऑफिस है गाइस। यहां पर जो भी न्यू फिल्में रिलीज होती है वो सब देखने को मिलती है। और यहां अपोजिट साइड में देखा जाए तो यूएस पोलो एशियन का ब्रांड दिखाई दे रहा है, जो कि आप लोग जानते हैं कि स्पोर्ट की जो क्लोथिंग वगैरह हो गई, ट्रैक वगैरह हो गए, टी शर्ट वगैरह, उस टाइप के प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं। और अगर आप डायनेमिक क्लोथिंग आप अगर करते हैं तो आपके लिए ब्लू बुद्धा जो है वो बेस्ट रहेगा दोस्तों। अब ब्लू उद्धा में आपको काफ़ी हाई क्वालिटी, मतलब एक प्रोफेशनल दिखने वाले जो कपड़े हैं वो ब्लू उद्धा में आपको इजीली मिल जाते हैं। और ऊपर का भी लुक देखें तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी लाइटें जो है बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिल रही है दोस्तों। और देखिएगा गाइस ये क्या है, ये सतरंगी घोड़ा देखने को मिल रहा है दोस्तों हमें। ये घोड़ा मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है दोस्तों। और ये अंकल जी को देखिए, अंकल जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं क्लीनिंग का, इनको दिल से सैल्यूट है दोस्तों। और ये देखिएगा गाइस ये है एलफिल टावर, ये हमारे वेद मॉल का एलफिल टावर है गाइस। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अहमदाबाद में भी एक एलफिल टावर है। तो गाइस पिलर के उस तरफ भी कुछ देखने को मिल रहा है, चलिए देखते हैं क्या चीज़ है गाइस। सो गाइस जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फिशिंग मसाज है। यहाँ पे अगर आप फिशिंग मसाज करवाना चाहें तो आप फिशिंग मसाज करवा सकते हैं यहाँ पर और आप इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों हम लोग सेकेंड फ्लोर पर आ चुके हैं और सेकेंड फ्लोर से मॉल का ओवरव्यू कैसा लग रहा है हम आपको दिखा देते हैं। आप ऊपर में देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह हैं जो काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर भी क्लॉथिंग का कुछ दिखाई दे रहा है और ऊपर में कॉर्नर में फूड का दिखाई दे रहा है दोस्तों।
और आपको एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ दोस्तों। आप ये देखिए दोस्तों, ये हमारे वेद मॉल का फैन है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि फैन के ऊपर काफी खर्चा किया गया है। और आप वहाँ पे ऊपर साइड में लेफ्ट में अगर देखेंगे तो आपको गेम जोन भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। सो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को गेम जोन दिखा देता हूँ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग फटाफट सीढ़ी से ऊपर चलते हैं दोस्तों। गेम जोन में काफी अलग अलग तरीके के गेम्स है जो कि आप देखेंगे आपको बहुत ही पसंद आएगा गाइस। सो गाइस, फाइनली वी आर इंटर द गेम जोन। सो गाइस, लेट्स डू द फन। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. So guys, हम लोग काफी थक चुके हैं और यहाँ पर रेन हो रही थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा शूट नहीं कर पाए। हम आपको बहुत सारी चीजें दिखाना चाहते थे लेकिन नहीं दिखा पाए। सो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।